सरकार को दिखाना चाहते हैं मैं जमींदार है, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम मरण जीने से नहीं डरते। जब हम अपने बच्चों के लिए काम करने लग रहे, भूखे मारे बच्चे भूखे रह गए, मरण और मरे तो गए, और क्या करें। कृषि कानूनों को लेकर किसानों में इस कदर गुस्सा भर चुका है कि फसलों पर ट्रैक्टर चलाना तो बहुत छोटी सी बात लगने लगी है। जरा सोचिए, जिस फसल को किसान महीनों तक बच्चों की तरह पालता है, उसे तैयार करता है, वही किसान अपनी मेहनत से उपजाई फसल पर ट्रैक्टर चलाने लगे तो उसकी पीड़ा का अंदाजा सिर्फ किसान ही लगा सकता है। जी हाँ, ये तस्वीरें पानीपत के गांव इसराना की हैं, जहां एक और किसान ने अपनी 22 बीघा गेहूं की फसल पर ट्रैक्टर चलाकर नष्ट कर दिया। किसान नरेश ने फसल नष्ट करने को लेकर कहा कि हम सरकार को अपना रोष दिखा रहे हैं, लेकिन फिर से यदि सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी तो किसान भी तैयार बैठे हैं, आगे कुछ भी हो सकता है। समर्थन मूल्य मिल रहा है, सरकार हमारी बातें मान रही है, और क्या करे, मजबूर होते हो, क्या नहीं करे। 3 महीने से हम बैठे हैं दिल्ली के अंदर इस कर, और क्या करें, मरते हैं, और कोई जुगाड़ ही नहीं हमारे पास दूसरा। तो आपके नेताओं ने आह्वान किया था किसान अपनी फसल को ना उजाड़े, राकेश टिकैत ने भी कहा, गुरनाम सिंह चढ़ू ने भी कहा, फिर भी उसके बावजूद चलो तो कह दिया, कह क्या बात होगी, हम भी तो अपना वो दिखाएं भाई, हम इसके हिस्सेदार हैं, हम दर्द गम तो में भी इस बात का बारे हैं, लेकिन हम सरकार को तो ये पता होना चाहिए भाई, जमींदार इसको तैयार करी का एक बाण लाग रहा है। काफी मेहनत लगती है। हाँ, मैंने तो 12 बजे भी पानी तोड़ना पड़ता रात को, मेरे बच्चे भी इसी काम पे हैं, और तो कोई रोजगार तो है नहीं, सरकार रोजगार तो देती नहीं, ये खेती है ये हम बाय देंगे इसको, और मरने के अलावा हमारे पास और कोई जुगाड़ नहीं है। पूरी सर्दी में आपने पूरी मेहनत, हाँ पूरी मेहनत करते हैं, अपनी ही मेहनत से तैयार की हुई फसल अपनी को खुद नष्ट करने लग रहे हैं। क्या मतलब सरकार को क्या चेतावना चाहते हैं? सरकार को दिखाना चाहते हैं भाई जमींदार है, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम मरण जीने से नहीं डरते। जब हम अपने बच्चों के लिए काम करने लग रहे, भूखे मारे बच्चे भूखे रह गए, मरण और मरे तो गए, और क्या करेंगे, इससे का तो कुछ नहीं हमारे पास। उधर जब ग्रामीणों को पता चला कि किसान नरेश ट्रैक्टर चलाकर अपनी फसल को नष्ट कर रहा है, तो बड़ी संख्या में ग्रामीण खेतों में आ गए और किसान को समझाने लगे, लेकिन किसान नरेश ने एक न सुनी और देखते ही देखते 22 बीघे फसल पर ट्रैक्टर चला दिया। हम 3 महीने से वहाँ पर बैठे हैं, नष्ट क्यों नहीं करा हम अपनी फसल को, जब हमारी फसल को लेने वाला नहीं, समर्थन मूल्य की सरकार मोदी सरकार मान नहीं रही, इसको वैसे ही पूंजीपतियों ने वैसे उठा के ले जाना है। हम तो पूरे भारत के भारत में फसल को बर्बाद करने की तैयारी पर हैं, अपने जो कणक है अपने परिवार के लिए रख करके, चाहे वो एक एकड़ में हो, चाहे आधे एकड़ में हो, चाहे एक बीघे में हो, उसको रख करके जो आगे का किसानों का जो प्लान है, जो उम्मीद है, अभी तक ऑर्डर तो नहीं मिले हैं, अगर ऑर्डर मिलेंगे जो खड़ी फसल में आग लगाने के, हम उसके लिए ये भी तैयार हैं। इससे पहले हम ये सरकार को ये चेतावना दिखा रहे हैं कि जो ये हमारे भाई ने ठेके पर ये जो जमीन ली थी, ठेके पर लेकर के 30-35 हज़ार रुपये ठेके पर जो ली, और आज इसमें 50-60 मणि इसमें कणक होती, तो इसको अपनी को बर्बाद कर रहे हैं। किसान मोर्चे के आह्वान पर किया जा रहा है, किसान मोर्चे ने एक बार जो कह दिया, चाहे वो ये कहूँगे गर्दन कटवानी है, तो गर्दन कटवाने के लिए आज पूरे भारत का किसान तैयार है। वैसे आंदोलन जन आंदोलन बन चुका है, अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन बन चुका है, हम तो फिर भी भारत के निवासी हैं, पानीपत के निवासी हैं, इसराने के निवासी हैं। सर्दी में पूरी मेहनत करता है किसान, जब जाकर फसल उसकी तैयार, इसमें इतनी मेहनत करी थी सर, पता नहीं कहाँ से तो पानी ला के, कहाँ से इसमें पानी लगाया, फिर कराया, इसमें 3-3 कट्टे 4-4 कट्टे खाद के भी लग लिए, फिर लेकिन जो मोर्चा अगर ये हमारे को ये कहेगा, हम भी अपने माँ बाप ने कितनी अच्छी तरह से पाल रखे हैं, इतने वोट पालन लगे थे, अगर किसान मोर्चा ये कहेगा अपनी गर्दन कटवा ले, हम गर्दन कटवाने के लिए भी तैयार हैं। यहाँ पर लाइन है, एक बार किसान मोर्चे का आदेश आ गया तो अपनी नाड़ रख के लाइन के नीचे एक कर कर देंगे। किसान मोर्चा तो अब दोबारा आह्वान करेंगे, कोई भी किसान जो अपनी फसल को ना उजाड़े, किसान मोर्चा तो आह्वान कर रहे हैं, मोदी सरकार भी तो कुछ करे, अगर मोदी ने अब एक बार भी नहीं कह लिया अब खड़ी फसल को आप क्यों उजाड़ रहे हो, खट्टर सरकार ने एक बार भी नहीं बोल लिया कि आप खड़ी फसल को क्यों बर्बाद कर रहे हो, क्या वो इस देश के नागरिक नहीं है, क्या वो प्रधानमंत्री बाहर से बनका है, क्या हमने नहीं बनाए, इस किसान ने नहीं बनाए, इस किसान के बेटे ने उनको वहाँ तक अहमियत नहीं दी पहुँचने की, तो जब उन्होंने एक बार नहीं कह लिया, किसान मोर्चा तो कह रहा है किसान मोर्चे की हम बात माचेंगे, हमने अपने भाई को मनाया भी है, लेकिन फिर भाई मैं एक जागृति अब मैं 2-2.5 एकड़ तो जरूर अपनी बर्बाद करूँगा फसल, मैं उसके बाद इनसे हम बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, भाई तू रुक जा, लेकिन ये कुछ रुकया है, अब देखो इसके बाद अगर मान जा तो, लेकिन इसके दिल में जो तरंग है, उमंग है, वो किसान मोर्चे की एक सीधी जुड़ी हुई। किसान बनाम सरकार की इस लड़ाई का अंजाम क्या होगा, इसका अंदाजा लगाना तो मुश्किल है, क्योंकि किसान भी अड़े हैं और सरकार भी कानूनों को लागू करने पर अड़ गई है। पिछले 3 महीने से जारी किसानों और सरकार के बीच इस आंदोलन में करीब 250 किसान मौत की नींद सो चुके हैं, लेकिन आंदोलन का रुख जैसा पहले था वैसा ही आज भी है। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।